माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बंगाल विधानसभा नहीं, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, श्री पल्लव लोचन दास, श्री पल्लव लोचन दास का रिकॉर्ड में जाएगा। कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा पल्लव लोचन दास के अलावा। श्री पल्लव लोचन दास, प्लीज 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 काम डाउन, प्लीज प्लीज। माननीय सदस्य आप बैठ जाइए, अब माननीय सदस्य बैठ जाइए, बैठ जाइए माननीय सदस्य। माननीय सदस्य आप वरिष्ठ हैं, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप पल्लव लोचन दास, पल्लव लोचन दास, पल्लव लोचन दास। मान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने शून्यकाल में मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। मान्य अध्यक्ष महोदय, इसको बंगाल विधानसभा मत बनाओ, ठीक है। मान्य अध्यक्ष, मान्य अध्यक्ष महोदय, हमने राइट टू एजुकेशन, हमने फंडामेंटल राइट बनाया एजुकेशन को। मान्य अध्यक्ष महोदय, हर शिशु को, हर बच्चे को हम एजुकेशन देना हमारा सरकार का पहला दायित्व होता है। अभी असम में ऐसा एक परिवेश है, एक जगह ऐसा भी है जो सर हम लोगों ने प्रिंसली स्टेट को तोड़ के एक भारत बनाया, लेकिन उसी टाइम में सर हम लोगों ने 30 स्टेट को स्टेट बनाकर रखा। माननीय सदस्य आपस में बात करें, कितना बढ़िया माननीय नया सदस्य बोल रहा है, प्लीज सुने बात, अप्रिशिएट करना चाहिए। सर स्टेट को हम लोगों ने 30 स्टेट बना के रखा, स्टेट विद इन द स्टेट, स्टेट का जो रूल्स होता है वो विद इन द 30 स्टेट वो रूल फॉलो नहीं होता है। और टी गार्डन में जितने भी बंगाल है, असम में है, और टी गार्डन में जितने हैं, जितने भी वर्कर्स है, वो लोग का दो उनका ये होता है, एक वो है इंडस्ट्रियल वर्कर और दूसरा हो गया वो देश के नागरिक। देश के नागरिक के हिसाब से उनको जो सुविधा उनको मिलना चाहिए था वो सुविधा नहीं मिल रहा है सर। और अभी स्कूल में जो प्लांटेशन लेबर एक्ट बनाया गया, प्लांटेशन लेबर एक्ट में वहाँ पे लिखा गया जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए उन लोगों को है, लेकिन अपर प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन का कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है सर। और इसके लिए मैं कल भी बोला था प्लांटेशन लेबर एक्ट को अमेंड करना चाहिए और सर राइट टू एजुकेशन के थ्रू वहाँ पे सेकेंडरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल और उसमें कॉलेज या बड़ा स्कूल बनाना चाहिए और रेसिडेंशियल स्कूल बनाना चाहिए। ये मैं आपके थ्रू मुरलीधरन